देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के बौद्धिक प्रदेश, जिनमें से अपन बौद्धिक प्रदेश में चर्चा कर रहे थे अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला में आज अपन अरावली पर्वतमाला टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है, वो रहेगा अपन अरावली पर्वतमाला संबंधित मुख्य मुख्य पठार कौन से, उनकी अपन चर्चा करेंगे। हर पठार की चर्चा करेंगे डायग्राम से। वैसे याद करने का तरीका यही रहेगा, डायग्राम से याद करो, डायरेक्ट जो मुख्य जो लिखा हुआ है ना थ्योरी के रूप में वो तो याद होगा नहीं, डायग्राम से देखेंगे। तो देखिएगा आज का पॉइंट है अपना अरावली पर्वतमाला से संबंधित पठार। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से संबंधित पठारों की बात करेंगे। तो देखिएगा एक नंबर पठार की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो है अपना बोमट का पठार। सबसे पहले मैं बोमट के पठार की बात करता हूं, बोमट का पठार, बोमट का पठार, ठीक है ना। बोमट के पठार की मैं बात करूं तो अपने राजस्थान के इंट्रोडक्शन में परिचय में पढ़ा था कि राजस्थान के जिलों की आकृतियां, तो वो आकृतियां ना यहाँ काम आने वाली यार इस पार्ट के अंदर। देखिएगा एक जिला बताया था मैंने, उसकी आकृति कैसी बताई थी, ऑस्ट्रेलिया के समान, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के समान। किसकी बताई थी, उदयपुर की, ठीक है। और उदयपुर के थोड़ा साइड में एक जिला पड़ता है, उसकी आकृति मैंने बताई बैठे हुए मेंढक के समान, और वो जिला कौन सा है, सिरोही, ठीक है, बैठे हुए मेंढक के समान। कौन जिला पड़ता है इधर, सिरोही, ये रहा अपना सिरोही। देखिएगा ये है अपना सिरोही और ये है अपना उदयपुर, ठीक है, ये है सिरोही और ये है उदयपुर। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य जो पठार है, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य उस पठार का नाम है क्या, बोमट का पठार, बोमट का पठार। बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कैसे। देखिएगा ये बोमट का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दूं, इस दो ये बोमट का पठार है सिरोही उदयपुर से लेकर के, इस पर गरासिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति इस पर निवास करती है, किस पे, बोमट के पठार पे। तो सिरोही से उदयपुर के मध्य जो डायग्राम बने हैं मेंढक के समान सिरोही, ओस्ट समान ये आकृति वाला उदयपुर, ये हो गया अपना बोमट का पठार, ठीक है। अगले मैं दूसरे पठार की बात करूं, इसको डिलीट करूं, अगला अपना पठार है बोराट का पठार। कौन सा पठार रहेगा, बोराट का पठार, वो तो कौन सा, बोमट का पठार, ये बोराट का पठार। देखो वही आकृति कौन सी अपनी, ऑस्ट्रेलिया समान किसकी आकृति बताई थी, उदयपुर की, ठीक है ना। और उदयपुर के जस्ट ऊपर कौन सा जिला है जिसकी आकृति है तिलक के समान, और वो कौन सा है, राजसमंद, ठीक है, कौन जिला है, राजसमंद, तिलक के समान, ठीक है ना, राजसमंद। तो देखिएगा राजसमंद के अंदर एक है फाड़ी बोल सकते हो, पर्वत जो भी है वो है कुंभलगढ़, ठीक है ना, कुंभलगढ़, ठीक है ना, ये और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, और ये है उदयपुर। उदयपुर के अंदर है पहाड़ी अपनी कौन सी, गोगुंदा, गोगुंदा, ये गोगुंदा पहाड़ी ना बोलते आप, ये गोगुंदा नाम का स्थान भी है, ठीक है ना, गोगुंदा स्थान है, कुंभलगढ़ के स्थान है। तो कुंभलगढ़ में गोगुंदा के मध्य, ठीक है ना, ये उदयपुर। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो ये पहाड़ी है, ठीक है ना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पहाड़ी है इनको बोलते हैं बोराट का पठार, बोराट का पठार, ठीक है, ये दूसरा हो गया बोराट का पठार। अब देखिएगा आप ही कंफ्यूज हो रहा गया, बोराट और भोमट इसमें कंफ्यूज होता है, ये भोमट, चलो ये कंफ्यूज दूर करते हैं। देखिएगा ये है बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये बो मठ, तो देखिए मठ नाम आ रहा है मठ, तो देखो अपन मठ किसको बोलते हैं, जहां मान लो कोई जगह हो वहां पे जनसंख्या निवास करी हो 100 150 इतनी भी हो, तो वहां उसको अपन मठ बोल सकते हैं ना, किसी नाम से पुकारते कि ये क्या है, मठ है।
तो मठ मठ में निवास करती है जनसंख्या। तो देखो भोमट के पठार में कौन निवास कर रहे हैं? गरासिय जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आगे बात करते हैं कौन से पठार की। अगला पठार रहेगा अपना लसाड़िया का पठार। ये दो पॉइंट तो क्लियर आपके डायग्राम से। तो अगला पठार कौन सा है, कितने नंबर है? 3 नंबर, वो है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सारी अरावली पटमाला से जो भी बातें सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, एक ही बात को आप इग्नोर नहीं कर रहे, सारी हर बात एक इंपॉर्टेंट अरावली पटमाला की। तो लसाड़िया पठार की बात करते हैं, देखिएगा वही ओस जिले के समान किस जिले की आकृति है। अपना कौन सा जिला है? उदयपुर। ये है अपना कौन सा जिला? उदयपुर, ठीक है ना, ये अपना उदयपुर। देखिएगा उदयपुर के अंदर एक झील है, कौन सी? जयसमंद झील। कभी आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा किसी ने, तो ये है अपनी कौन सी? जयसमंद झील, ठीक है। तो जयसमंद झील के जो पूर्वी साइड जो ये पठार है, ये पूरी तरफ, ठीक है ना, उदयपुर के अंदर जो ये जयसमंद झील के पूरी तरफ पूरी साइड है, ये जो है ना, इसका नाम है लसाड़िया का पठार। ये है लसाड़िया का पठार, ठीक है ना, ये एग्जाम पूछा गया भी है, लसाड़िया पठार। ये हो गया तीसरा पठार। आगे अपन बात करें तो चौथा पठार रहेगा अपना कौन सा, वो रहेगा उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार देखिए, क्या उपरमाल के पठार की बात करें तो देखिए राजस्थान में वही जिला है जिसकी आकृति किसके समान है? आयताकार के समान, ठीक है ना, आयताकार, ये आयताकार। और वो जिला कौन सा है? कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, ठीक है ना, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयताकार। और देखो इसके नीचे एक जिला है, उसकी आकृति है घोड़े की नाल के समान, वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, ये अपना कौन सा है? चित्तौड़गढ़, घोड़े की नाल के समान। तो ये हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो देखिएगा चित्तौड़ भीलवाड़ा के अंदर एक है बिजोलिया, बिजोलिया, ये बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो देखो बिजोलिया से भैंसरोड़ के मध्य जो फटार है ना, इन दोनों के मध्य जो फटार है ना, वो कौन सा फटार है? उपरमाल का फटार, उपरमाल का फटार, ठीक है ना। ये उपरमाल का फटार वही है जहां से ये बिजोलिया, वही है जहां से जो बिजोलिया केशवानंद आनंद शुरू हुआ था, और ये उपरमाल जो जागीरी है वो उपरमाल जो शासक हुआ था उसने दी थी, वही है वो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको साथ में ध्यान रखना है, भैंसरोड़गढ़ से बिजोरिया के बीच में। अगला अपना आएगा 5 नंबर, वो कौन सा है पठार, उसकी बात करते हैं अपन। देखिएगा 5 नंबर का पठार अपना है उड़िया का पठार, ठीक है ना, 5 नंबर है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार किसके अंदर है? सिरोही में है ये, ठीक है ना। तो देखिए उड़िया पठार की बात करें अपन, एक तो अपन देखो सिरोही के अंदर एक अपने चोटी है, कौन सी? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है ना, एक है सिरोही में, गुरु शिखर है सिरोही के अंदर, जिसकी अपनी ऊंचाई बात की, कितनी ऊंचाई है इसकी? ऊंचाई बात कर चुकी है अपन पीछे, कितनी है? 1722 मीटर या 1727 मीटर। देखिएगा ये जो बातें कर ली अपन लगभग, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो देखो कौन सी है? गुरु शिखर, मध्य भारत की। और उत्तरी भारत की तो केटू है ये आप पता है, और दक्षिण भारत की वो अनाई मुडी जो भी है वो है, तो ये मध्य भारत की है।
ये कौन सा हो गया अपना गुरु सीकर, इसके पास में है उड़िया का पठार, ठीक है ना, ये है अपना उड़िया का पठार, उड़िया का फटार, ठीक है ना, ये कहाँ है, सिरोही के अंदर है, ठीक है, सिरोही में। देखिएगा इसके पॉइंट की मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा फटार, सबसे ऊंचा फटार, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा फटार है। और इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिएगा फटार, फटार किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर जनसंख्या निवास करती है, कोई गांव बसा हुआ हो उसको बोलते हैं फटार, उससे समतल हो वो फटार हो गया और ये पहाड़ी होगी। इसके साथ में एक पास में और है, वो कौन सा पर्वत या फटार है, आबू का फटार, इसके पास में ये, ठीक है ना, आबू का फटार, ये भी ध्यान रखना है, आबू का फटार, ये भी कहा है सिरोही में, सिरोही में, ठीक है। देखिए इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, 1200 मीटर, और जो सिरोही शहर बसा हुआ है वो इस पठार के ऊपर, या आबू के पठार, पूरा सिरोही का सिरोही। ये हो गया अपना कौन सा, उड़िया का पठार। अब मैं आगे पठार की बात करूं तो देखिएगा उड़िया का पठार हो गया, आबू का पठार हो गया, और ये हो गया बात करूं फटार की, तो वो अपना कौन सा फटार रहेगा, देशहरो, देशहरो का फटार, ठीक है ना, अच्छा फटार है, इंपोर्टेंट भी है। देखिएगा अपनी बात की थी पहाड़ियों में किसकी, जलगांव है रागा, और वही अपना उदयपुर, यही ऑस्ट्रेलिया समान अपना कौन सा, उदयपुर। उदयपुर की मैं बात करूं तो उसकी हम दो पहाड़ियों की बात की थी, यहां एक तो पहाड़ी यहां पे और ये फाड़ी है यहाँ पे, ये दो फाड़ी है, ये कौन सी फाड़ी है, जरगा, जरगा, ठीक है ना, और ये कौन सी फाड़ी है, रागा, रागा, ये दो फाड़ी है। देखिएगा इन दो फाड़ियों के मध्य जो फटार है, ठीक है ना, ये जो फटार है रागा व जरगा के बीच में, इसका नाम है क्या, देशहरो, देशहरो का फटार, ठीक है ना, देशरोप को फटार, जलगा में रागा के बीच। देखिए भाई ये थे अरावली पर्वतमाला से संबंधित मुख्य मुख्य फटार, ये आपने कंप्लीट हो गए, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, बाकी इनसे इनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं, यही है मोस्ट नोट जो भी है, और छोटे मोटे हैं वो तो अक्सर एग्जाम पूछते नहीं, बड़े वाले की बात कर ली अपने। अब देखिए अगला पॉइंट है अपना अरावली पर्वतमाला संबंधी, लास्ट पॉइंट है अरावली पर्वतमाला संबंधी, बाकी सारी बातें होगी, वो है अरावली पर्वतमाला संबंधी दर्रे, वो 5-7 दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं, ये अपने जो वो मुख्य मुख्य जो फटार है, ठीक है ना, इनको डायग्राम से देखा था आपने, तो डायग्राम से याद रहेंगे, डायग्राम से आपको याद रखना है। तो देखो मैं 2-3 मतलब छोटे छोटे फटार है उनकी डायरेक्ट बात करूं, है ना, उनको पॉइंट से भी याद है, डायरेक्ट याद चलेगा, वो तो डायग्राम से होगी, 3-4 मुख्य मुख्य फटार है इनका भी ध्यान रखना। देखिए एक तो फटार है पीटमांड का फटार, पीटमांड का फटार, ठीक है, ये पड़ता है किसमें, देवगढ़ राजसमंद में, देवगढ़ क्या है, तहसील है राजसमंद की, और राजसमंद में ये क्या, पीटमांड का फटार। देखिएगा पीटमांड का ये तो फटार है, पीटमांड का मैदान भी है, उनमें कंफ्यूज मत होना, पीटमांड का जो ये फटार है ये तो है देवगढ़ राजसमंद में, और एक पीटमांड मैदान भी पड़ता है जो प्रतापगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगले में फटार की बात करूं तो वो है क्रोस्का का फटार, क्रोस्का या कंकनवाड़ी, कंकनवाड़ी का फटार, ये तो काफी इंपॉर्टेंट ही है, क्रोस्का या कंकनवाड़ी, ये पड़ता है अलवर में, अलवर में, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे मैं तीसरी फटार की बात करूं तो वो है अपना मेसा का फटार, मेसा का फटार, और ये मेसा का फटार पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, और जो ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है किला, वो भी मेसा के फटार के ऊपर ही बना हुआ है, और बात की थी
कल चित्रकूट फाड़ी, वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आगे मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट पर्वत है वो है फटाक की बात करूं तो देखिएगा, वो है खेराड़ या माल खेराड़, खेराड़ या माल खेराड़। इनकी बात अपन पीछे भी कर चुके हैं। देखिएगा खेराड़ और माल खेराड़ का फटार कहाँ है, तो देखिएगा बूंदी, ठीक है ना, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा, इन तीन तीनों जिलों में फैला हुआ है खेराड़ और माल खेराड़ का फटार, ठीक है ना। ये भी आपको तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई अपने राजस्थान के फटार। चलो अब अरावली पर्वतमाला का जो लास्ट पॉइंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। वो है अपना पॉइंट कौन सा, अरावली पर्वतमाला के मुख्य मुख्य दर्रे, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के मुख्य मुख्य दर्रे। देखिएगा अरावली पर्वतमाला के मुख्य मुख्य दर्रे, दर्रे दरों की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अरावली पटवाला में एक दर्रा है जिसको नाम फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, ठीक है ना, फुलवारी की नाल याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यह है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में एक है केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, और ये भी किसने, उदयपुर में, ये भी, ठीक है ना, उदयपुर। तो फुलवार की नाल उदयपुर में और केवड़ा की नाल दोनों उदयपुर में है। तो देखिएगा इधरों में आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है लाइन से, तो एक बार देखो, चलो डायग्राम से समझ लेते हैं अपन। ये दोनों तो याद है, फुलवार की और केवड़ा दोनों किसने, उदयपुर में। ये आपको दोनों को ध्यान में रखना है पॉइंट को। अब चलो डायग्राम से देखते हैं इसको, डायग्राम से समझे ना इसको। तो देखिएगा यहां अपना जिला पड़ता है कौन सा, पाली, इधर कौन सा जिला है, पाली, ये अपना जिला है पाली इधर, ठीक है, और इधर जिला है कौन सा, अजमेर, अजमेर जिला इधर। अगर आपको जिले याद है तो जिला पाली अजमेर, यहां अपना जिला है कौन सा, पाली और अजमेर, इधर कौन सा जिला है, राजसमंद, इधर राजसमंद, ये अपना कौन सा है, राजसमंद, ठीक है। ये तीन जिले हैं। अब देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। देखो यहां अजमेर के पास में एक दर्रा पड़ता है यहां पे, और उस दर्रे का नाम है बर, ठीक है ना, बर दर्रा। ये बर दर्रा पड़ता है अजमेर में, जो अजमेर और पाली के मध्य आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये कौन सा दर्रा, बर दर्रा, बस यही दर्रा है जहां से मतलब थार का मरुस्थल विस्तार किधर ओर बढ़ रहा है, पूरी तरफ बढ़ रहा है ये दर्रों की ओर। तो ये बड़ दर्रा आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अजमेर के अंदर है, जो इधर पाली में जाने की सुविधा प्रदान करता है। आगे अपन बात करें तो दो दर्रे, देखो दो दर्रे और हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो एक दो बार पूछे भी गए हैं, ठीक है ना, ये दो दर्रे और हैं। देखिएगा पाली के अंदर है ये है एक तो पगलिया, ये पगलिया दर्रा किसमें है, पाली के अंदर, और ये दर्रा है जिलवा। पगलिया और जिलवा दोनों किसमें है, पाली के अंदर है, पगलिया जिलवा इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, पाली बर अजमेर में। अब मैं आगे बात करूं दो तीन दर्रों की, और इधर अपना कौन सा जिला आता है, राजसमंद। तो देखिएगा एक दर्रा यहाँ पे है, ठीक है ना, ये दर्रा, और इस दर्रा का नाम है, वो दर्रा है देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, ठीक है ना, देसूरी की नाल। आगे एक दर्रा और है, तीन दर्रे इस यहाँ पे। तो देखिएगा ये दर्रा है हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ये दोनों राजसमंद में है, इसे दिखाई दे रहे ना। एक दर्रा और है यहाँ पे, और उस दर्रे का नाम है हाथी सूरी की नाल और हाथी घुड़ा की नाल, ठीक है ना, और एक दर्रा और पड़ता है
ना वो है गोरम घाट, ठीक है ना, गोरम घाट, गोरम घाट, ये भी राजस्थान में पड़ता है। ये हो गए अपने अरावली पर्वतमाला के मुख्य मुख्य दर्रे, वो दो दर्रे हैं फुलवार की नाल जो भी है, ठीक है ना, और ये हो गए मुख्य मुख्य दर्रे, ये अपने अरावली पर्वतमाला कंप्लीट हो गई। ये हो गई अपने अरावली पर्वतमाला के मुख्य मुख्य दर्रे, 3-4-5 दर्रे मोस्ट मोस्ट है, याद रख लेना, ठीक है, इस डायग्राम से याद रखना, डायग्राम से याद रहेगा। बर अजमेर के अंदर है तो जिलवा पगला इधर पाली के अंदर पड़ता है, और वो तीन के राजस्थान में पड़ते हैं। या आज अपनी राजस्थान का 1/32 प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, और अरावली पर्वतमाला संबंधित में एक बात और बताना चाहूंगा, जो कि है कई बार चोटियों में क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है ना, बड़ी से लेकर छोटी या अवरोही या आरोही जो भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उन 5-7 चोटियों की बात कर लेते हैं। देखिएगा मैं बात करना चाहूंगा इन चोटियों की, तो देखिएगा सबसे पहले सबसे बड़ी चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है ना, तो देखो गुरु शिखर की चोटी ऊंचाई की बात करूं, गुरु से पहले तो पड़ता कहाँ है, किसमें है, सिरोही के अंदर, ठीक है ना, कहाँ है, सिरोही में, सिरोही में, ठीक है। आगे मैं बात करूं शेर, और ये शेर भी कहाँ पड़ते हैं, सिरोही के अंदर ही पड़ते हैं, गुरु शेर, ठीक है ना, दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा चोटी भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। 4 नंबर चोटी की बात करूं मैं तो जरगा, जरगा, और ये जरगा पड़ता है उदयपुर के अंदर, जरगा चोटी कहाँ है, उदयपुर, ये उदयपुर के अंदर है। 5 नंबर चोटी की मैं बात करूं तो अचलगढ़, अचलगढ़, और ये अचलगढ़ चोटी है सिरोही के अंदर, ठीक है ना, सिरोही। 6 नंबर चोटी की मैं बात करूं तो वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और ये रघुनाथगढ़ पड़ता है अपना सीकर में, ठीक है ना, ऊपर उत्तरी वाली चोटी है सबसे ऊंची सीकर, सीकर। 7 नंबर चोटी की मैं बात करूं, ये 5-7 चोटियां आप याद रखना, वैसे तो 5 तक ही पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप 5-7 चोटी तो याद रखना ही रखना। 7 नंबर चोटी की मैं बात करूं तो जयपुर वाली कौन सी, खो, खो या खो है, ठीक है ना, खो या खो है, और ये पड़ती है जयपुर में, जयपुर में, ठीक है ना, अरावली सर्वोच्च चोटियां, अरावली की जो भी सर्वोच्च ऊंची चोटियां उनकी बात कर रहा हूं। तो देखिएगा ये कौन कौन जिले में पड़ती है, तो ऑलरेडी अपन पता है, पीछे भी पड़ चुके हैं। चलो इनकी ऊंचाई की बात करते हैं, तो गुरु शिखर की ऊंचाई ऑलरेडी सबको पता है, कितनी है, 1722 मीटर या 1727 मीटर, ठीक है। शेर की बात करें अपन तो शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, कितनी, 1597 मीटर। दिलवाड़ा की बात करें, दिलवाड़ा भी उदयपुर के अंदर पड़ता है, तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, ठीक है ना। आगे बात करें जर, ये कितनी होगी, 1442 मीटर, ठीक है, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर 1442 होगी ये, सर दिलवाड़ा उदयपुर में नहीं है, सिरोही के अंदर ही है, गुरु शिखर शहर दिलवाड़ा तीनों किसमें, देखो सिरोही के अंदर ही है। आगे बात करूं मैं जरगा की, तो जरगा है उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो 1431 मीटर, 1431 मीटर, ठीक है। आगे भी बात करूं अचलगढ़, और अचलगढ़ किसके अंदर है, सिरोही के अंदर, और इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। आगे अपन बात करें रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ पड़ती है सिक्कर के अंदर, और इसकी ऊंचाई की अपन बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, ठीक है ना, 1055 मीटर। और लास्ट चोटी की बात करूं मैं 7 नंबर की, तो ये है खो, जयपुर के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर, और ये पिछली बार 2 जनता पुलिस पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसे पूछा था डायरेक्ट कि खो है की ऊंचाई कितनी है, 920 किलोमीटर। ये हो गई अपनी अरावली पटमाला कंप्लीट, ठीक है ना।